हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं रेडमी नोट 5। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन है हैंग ऑन लोगो। ये कस्टमर ने हमें ये कंडीशन पे लाके दिया है, तो ये हैंग ऑन लोगो है। तो चलिए फटाफट बताते हैं किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। हमने इसको फ्लैश भी किया, मॉडेम एरर दे रहा है। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है EMMC से। तो आज हम बताएंगे कि बिना अपन इसको न्यू फ्लैश फाइल मारे, वही फाइल को रीड एंड राइट करके हम इसे आज बनाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक के ज़रूर बनी रहिए कि किस तरीके की प्रोसेस है, आपको समझ आएंगी। तो सबसे पहले हमें MMC को हिट मार के बाहर निकाल लेना है। ये हमारी MMC बाहर निकल चुकी है। उसके बाद हम मदरबोर्ड क्लीन कर लेंगे। ये मदरबोर्ड हम क्लीन कर रहे हैं। ये मदरबोर्ड आप बस हमारा क्लीन होने वाला ही है। उसके बाद इसे थिनर की मदद से हम साफ कर लेंगे पूरे मदरबोर्ड को। इससे होगा ये कि हमारा बोर्ड एकदम चकाचक हो जाएगा। देख लो अभी आपको जैसा दिखा है, ठीक है। अभी MMC की बारी है। MMC को भी डिसॉल्टिंग वायर की मदद से हमें साफ कर लेना है। MMC का जो सरफेस है वो प्लेन हो जाएगा। ये हो चुका है MMC भी प्लेन। अभी से हम MMC को रिवॉल्व करेंगे। पहले साफ कर लेते अच्छे से थिनर से। उसके बाद स्टेंसिल रख के होल से होल मिला लेंगे हम, देख लीजिए इस तरीके से। तो अभी हम PPD लगाएंगे और इसे पूरे इसमें लगा फैला देंगे। तो अभी हम PPD लगा चुके हैं इसको पूरी। अभी इसे हल्की हल्की हिट मारेंगे और बॉल रिवॉल्व करेंगे। तो कई बार क्या होता है गाइस, कुछ बॉल कम ज़्यादा छोटे बड़े बन जाते हैं, तो हमें इसे एक बार कट करना पड़ता है। तो कट हम इसके मदद से करेंगे कटर की। और इसके बाद हम इस पर फिर से एक बार PPD भरेंगे और उसके बाद हिट मारेंगे, तो बॉल जो हमारे एक लेवल में बन जाएंगे। तो देख लीजिए आप, इस तरीके से बॉल आपको भी बनाना है। ये बॉल बन चुके हैं। अब आ जाते हैं हम, ये एक मिनट, ये क्या हो गया है यहाँ, इसको क्लीन कर लेना है पहले। एक मिनट, मैं इसको इसकी मदद से कर देता हूँ। ये कुछ शोल्डर के जो PPD है हमारी, वो दब के फैल गई है। कोई बात नहीं, हो जाता है। पेस्ट लगा के पहले हिट मार देते हैं, फिर हम इसे बॉक्स में प्रोग्राम करेंगे। तो पहले थोड़ा फ्लक्स लगा के हिट मार देते हैं इसे। देख लीजिए बॉल बराबर हो चुके हैं। थोड़ी और हल्की हिट मार देते, इधर साइड पेस्ट नहीं लगा था। तो ये हमारा हो चुका है फाइनल। तो अभी MMC बॉक्स में हम इसे लगाते हैं। और सबसे पहले एक फोल्डर बना लिया, नोट 5 के नाम से हमने फोल्डर बना लिया एक डेस्कटॉप पे। उसके बाद हम टूल ओपन कर लेंगे और चेक MMC पे क्लिक करेंगे। तो अभी देख लीजिए, ये हमारी MMC जो है 50% कंज्यूम है। तो हमें इसका पूरा डेटा रीड कर लेना है। तो आपको कुछ फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार डेटा पूरा रीड कर लिया है इसका, फिर उसके बाद राइट कर लेना है। तो पहले डेटा रीड कर लेंगे, उसके बाद हम पार्टीशन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे वो दिखाता हूँ मैं आगे। तो चलिए फाइल रीड होते तक हम वेट कर लेते हैं। देख लीजिए गाइस, ये हमारी फाइल रीड हो चुकी है। अभी हमने MMC को रिपार्टीशन कर दिया है। उसके बाद हमें बैकअप वापस चढ़ा देना है पूरा। ये पुराना ही बैकअप है जो हमने लिया था। यूज़र डेटा छोड़ देना है, यूज़र डेटा रीड करते टाइम छोड़ देना है, राइट करते टाइम भी छोड़ देना है। यानी यूज़र डेटा तो रीड होगा ही, तो यूज़र डेटा चढ़ाना ही नहीं है हमें, क्योंकि उसमें वो रहता है 51 GB का। तो उससे क्या होता है कि बहुत समय लग जाता है हमें, तो ये करना ही नहीं है हमें, ठीक है, इससे दूर रहना है। तो चलिए अभी हमारा हो चुका है MMC प्रोग्राम। अभी हमने इसे फ्लैश नहीं किया, वही फाइल रीड किया और वही फाइल डाला है, यानी न्यू फ्लैश फाइल डाला ही नहीं है। देख लीजिए मॉडल वगैरह सब बता रहा है। तो अभी हम थोड़ा पेस्ट लगाएंगे और इसे हिट मारेंगे और मदरबोर्ड में फिट करेंगे। ये आ गया हमारा मदरबोर्ड। इस तरीके से आपको भी बोर्ड क्लीन कर लेना है। तो MMC जो है एकदम प्रॉपर रखनी है हमें। तो देख लीजिए इस तरीके से आपको भी जमा के रखनी है। अगर आप थोड़ी सी भी इधर उधर करते हैं तो MMC बराबर बैठेंगी नहीं आपकी। तो अभी हिट मार लेते हैं हम फटाफट स्पीड में। देख लीजिए अभी MMC हल्की सी हिली है, ये देखो अभी और हिली। तो अभी हम थोड़ा सा इसे शेक कर लेंगे। ये देख लीजिए हमारी MMC प्रॉपर बैठ चुकी है। अब बोर्ड को ठंडा हो चुका है हमारा। अब हम शील्ड लगा देते हैं इसकी CPU के ऊपर की और इसे फटाफट
नॉर्मल पैक करके आपको चेक करके बताते हैं, ठीक है। ये अभी हमने चार्जिंग लगा लिया है, देख लीजिए फ़ोन आगे बढ़ रहा है। अभी हमने इसको फ्लैश नहीं किया, उसकी पुरानी ही फाइल है, सिर्फ हमने इसकी रिपार्टीशन किया है और पुरानी फाइल डाला है इसमें, ठीक है। तो उसको आगे बढ़ा लेते हैं, देख लीजिए आगे बढ़ रहा है। अगर आपके पास कोई फ़ोन रिपेयर का होगा तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी फ़ोन रहे, कोई भी प्रॉब्लम रहे, कोई भी मॉडल रहे, तो आप ये नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिए। इसके साथ अभी तक क्या आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।